हेलो फैमिली, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग करने वाले हैं पोर्टल की रीडिंग। देखेंगे गाइस पोर्टल में क्या शिफ्ट्स होने वाले हैं आप लोगों के लिए और क्या होने वाला है डीएम के लिए। तो बस इतना ही देखेंगे। पहले देखते हैं पोर्टल एनर्जी क्या है, क्या हो रहा है आज। और आज गाइस हीलिंग रहने वाली है 9:30 बजे। तो अगर आप लोग उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो 7:00 बजे से पहले मुझे भेज देना गाइस व्हाट्सएप। और 200 रुपीज़ अमाउंट है पर पर्सन का। तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा गाइज मेरे चैनल को। गाइज पोर्टल के एनर्जी में मेरे को बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी दिखाई दे रही है। पहले तो नेगेटिविटी रिलीज होते हुए दिखाई दे रहा है। स्पिल्ड मिल्क के ऊपर रोना दिखाई दे रहा है गाइज। कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्टॉकिंग होगी, बहुत ज़्यादा थिंकिंग होगी। कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी सिचुएशन में थे अगर आप लोग तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होगा डीएम के लिए। काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ होगी उनको। वो काफ़ी कार्मिक की बिल्कुल भी नहीं सुनना चाहेंगे और बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स होंगे, बहुत ज़्यादा फाइट्स होंगे डीएम के। और उनकी स्पिल्ट मिल्क पे रोना काफ़ी ज़्यादा रहने वाला है। काफ़ी नेगेटिव एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। देखते हैं गाइस डीएम की एनर्जी कैसे रहने वाली है इस मौके पे। देखते हैं गाइस 10:10 के पोर्टल में हमने देखा गाइस सबसे ज़्यादा असर डीएम के लिए ही होने वाला है। यह 10:10 का पोर्टल स्पेशली डीएम के लिए है। तो देखते हैं कि डीएम को क्या असर होने वाला है इस पोर्टल का। गाइस अगर मैं अपनी पर्सनल बात करूँ तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट हो रहा है इस पोर्टल का, क्योंकि मैं डीएम और डीएफ में काफ़ी ज़्यादा शिफ्ट हो रही हूँ। एक ही दिन में हर घंटे शिफ्ट हो रही हूँ, तो मुझे खुद का नहीं पता। बट लेट्स सी कि क्या होता है डीएम की एनर्जीज में। बहुत ज़्यादा लो जा सकते हैं आज डिवाइन मैस्कुलिन। काफ़ी नेगेटिव हो सकते हैं, काफ़ी ब्लॉक टू फील कर सकते हैं। वो गाइस डीएफ को स्टॉक कर रहे हैं और देख रहे हैं कि डीएफ उनमें ज़रा सा भी इंटरेस्टेड नहीं है। डीएफ जो है काफ़ी ज़्यादा बिजी लग रही है, पर उनको याद आ रही है कि वो टाइम जब डीएफ उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, उनसे बात करना चाहती थी, उनके साथ रोमांटिक टाइम स्पेंड करना चाहती थी। पर अभी डीएफ का जो पावर है वो काफ़ी ज़्यादा है। वो समझ रहे हैं कि डीएफ बहुत ज़्यादा पावर में है, एटीट्यूड में है, और अगर हम उनको थोड़ा बहुत ऑफर करेंगे वो उनके लिए काफ़ी नहीं होगा। डीएफ वॉन्ट्स एवरीथिंग। कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा स्ट्रांगली मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर। और ये भी दिखाई दे रहा है कि डीएम देना भी चाह रहे हैं एवरीथिंग अभी, क्योंकि ऐसा हो गया है उन्होंने जहाँ पे एफर्ट्स डाला वो सब खत्म होने पे आ रहा है। टावर मोमेंट्स मुझे बहुत ज्यादा दिख रहे हैं थर्ड पार्टी सिचुएशंस में। और देखते गाइस डीएफ की एनर्जी कैसी है आज की रीडिंग में, ठीक है। बिकॉज पोर्टल डीएम के लिए था, ट्रिगर्स डीएम के लिए थे, तो देखते हैं डीएफ का क्या होता है। तो डीएफ का मुझे दिखाई दे रहा है गाइस ट्रस्ट, दिस कुड बी द वन, लव योर सेल्फ फर्स्ट, रिलीजियस फैक्टर्स, एक्सप्रेस लव। कहीं ना कहीं आपके और आपके डीएम में रिलीजियस फैक्टर्स भी, कोई हिंदू मुस्लिम या क्रिश्चियन हिंदू या ऐसे कुछ भी हो सकता है आपके और आपके डीएम के बीच में। और आपको लग सकता है कि अभी कभी नहीं होगा, लेकिन बीच में आपका पूरा एनर्जी डाउन हो गया, आप लोग मैस्कुलिन में हो गए, तो आप लोग को बहुत ज़्यादा समझ आया होगा कि हमें ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। जब टाइम राइट होगा हमारे लिए चीज़ें होंगी। जब टाइम राइट होता है तो सबके लिए सब कुछ होता है। तो आप एफर्ट्स लेना चाहोगे, आप लाइट हार्टेड एनर्जी में चलना चाहोगे, आपका माइंड खुल जाएगा आपके डीएम के लिए इस 10:10 के पोर्टल में। आप काफ़ी, अगर देखिए गाइस आप लोग डीएम एनर्जी में रहोगे तो आपके लिए ये पोर्टल काफ़ी ज़्यादा पेनफुल और स्ट्रगलिंग वाला हो सकता है। आपके लिए बहुत ज़्यादा टेस्ट एंड ट्रिगर्स आ सकते हैं, आपको बहुत कुछ फेस करना पड़ सकता है डीएफ, अगर आप डीएम एनर्जी में चले जाते हो आज के दिन तो। लेकिन अगर आप डीएफ में रहते हो और भगवान पे ट्रस्ट करते हो और कर पाते हो अपना काम, तो फिर आपको डीएफ एनर्जी में आने से कोई नहीं रोक सकता। और अब एक एनर्जी फिक्सिंग होने वाली है कि भाई डीएम में तो डीएम में, डीएफ में तो डीएफ में, ये एनर्जी फिक्सिंग होगी। और जिसके वजह से आप लोगों को एक ही एनर्जी में डाला जाएगा, तो आप लोगों को थोड़ा सा फेथ और पॉजिटिविटी रखनी पड़ेगी। अगर आप लोग हायर वाइब्स और हायर एनर्जी में जा सकते हो, एक और सीक्रेट बताऊंगी डीएफ एनर्जी का, और वो ये है कि अगर आप डीएफ एनर्जी में हो तो आपके डिवाइन मैस्कुलिन आपके कांटेक्ट में होंगे। अगर आप डीएम एनर्जी में चले गए तो वो आपके कॉन्टैक्ट में ज़्यादा नहीं रह पाएंगे। डीएफ एनर्जी में
जो है कहीं ना कहीं आप अपने डीएम से कांटेक्ट में आ पाते हो, पर जब आप खुद डीएम बन जाते हो, आप अपने कार्मिक और अपने लाइफ में इतने ज्यादा बिजी हो पाते हो जाते हो कि आपको कार्मिक के साथ ही इंटरेक्शन करना होता है। बहुत सारे लोग आपको डीएम एनर्जी रिफ्लेक्ट करते हुए मिल जाएंगे, तो आपको आपके डीएम की जरूरत नहीं रहती। लेट्स सी गाइस कि डीएम आपसे क्या कहना चाहते हैं आज के दिन पे। ठीक है, आई एम गोइंग थ्रू डार्क टाइम्स बट आई डोंट वॉन्ट टू स्ट्रेस यू आउट। तो देखिए गाइज, ये क्लियर है कि डीएम डार्क टाइम्स के थ्रू जा रहे हैं और वो आपको स्ट्रेस नहीं देना चाहते, आपको तकलीफ नहीं देना चाहते। ईच टाइम, ये गाइज आज की रीडिंग में भी आया था, ईच टाइम आई सी अ फोटो आई वॉन्ट टू किस योर लिप्स, सेम कार्ड्स आए गाइज, मीट मी इन माई ड्रीम्स एंड आई लव स्पेंडिंग टाइम विथ यू। तो आपसे मिलना चाहते हैं 5D में, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। और अगर आप डीएफ एनर्जी में जाते हो तो आपका कॉन्टैक्ट इन द 5D आपके डीएम के साथ बनता रहेगा, क्योंकि डीएम आप रेडी बैठे हैं आपको 5D में कॉन्टैक्ट करने के लिए। आई विल सरप्राइज यू इन टाइम इफ यू लेट मी, तो साफ साफ कह रहे हैं अगर आप उनको सरप्राइज करने दोगे तो वो आपको सरप्राइज भी करेंगे इन द राइट टाइम। तो आज के लिए गाइज इतना ही, फिर मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय।